हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहां पर आपकी 50 प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 53 है। इसके पहले हम लोगों ने 52 प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो धीरे धीरे देख सकते हैं। और हमारा टारगेट है यहाँ पर 45 प्लस लेके आना। लगभग बच्चों के यहाँ पर 40 और 45 के बीच आ रही हैं, और आप लोग थोड़ा और मेहनत करिए। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक पर और पढ़िए, आपको 100% यहाँ पर 45 प्लस मिलेंगे जरूर। मेहनत बस करिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, यहां पर चार ऑप्शन है और ऑप्शन राइट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर, अर्थात संयोजक, अर्थात कह सकते हैं संयोजक, या इसे हम लोग योजक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, माता पिता, माता और इसको डैश लगा देते हैं, फिर लिखते हैं आप पिता। ये आपका जो चिन्ह होता है वो आपका योजक हो जाता है, या इसे संयोजक के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना कि संयोजक या योजक होते हैं जो आपके जेंडर परिवर्तन, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, इस प्रकार में जो बीच होता है उसे योजक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषद अर्थात यहां पर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा महाधन औषध, अर्थात ए नंबर आपका बनेगा महाधन औषध। बात आती है कि ये है कौन सी संधि, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो यहां पर इसका लिखा है देखिए बड़ा, यहां पर आपका लिखा है यहां पर औ, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा औ, ठीक है औ। और ये रूल आपका कहां पर होता है, ये रूल आपका मिलता है वृद्धि संधि में, अर्थात महाधन औषध बराबर महौषध, ये आप वृद्धि संधि है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त जो आपका दुष्चरित है, दुष्चरित शब्द है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, अर्थात जो दुष्चरित्र है ये आपका है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो आपका ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये क्या कह सकते हैं, संवर है, गुणवाचक है, और गुणवाचक यहां पर विशेषण हो जाएगा सी, आपका गुणवाचक विशेषण है। दुष्चरित्र क्या है, एक गुण है, यहां हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, अर्थात किसी के दुख से अगर दुखी हैं और उस पर आप दया करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अनुकंपा, क्या बोलते हैं अनुकंपा, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, उसे अनुकंपा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। अभी वीडियो में और भी टफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना, अभी जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं अभी वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन आपको टफ मिलने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है आपसे दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे कि आपका बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, आपका ओ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, आय हो गया, ये आप सबके क्या है, ये आपके होते हैं, कह सकते हैं आपके, ये आपके सभी दीर्घ स्वर होते हैं, क्या होते हैं, सभी दीर्घ होते हैं। तो ये भी प्रश्न कैसे बना, इसका मतलब है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपका गलत है, ठीक है, और गलत है इसीलिए हम आपको एक नंबर इस प्रश्न का दे दे रहे हैं। आपके वीडियो एग्जाम में इसी प्रकार का घुमा फिरा के क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन आपका गलत माना गया था, आपके खाते में कंसर जोड़ा गया था, ठीक है, उसी प्रकार आपका ये टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो एक नंबर आप अपने खाते में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है, जो आपका सलभ शब्द है ये आपका कौन सा शब्द है। सिक्स में ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा डी, अर्थात उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमान। कैसे होगा, तो देखिए यहां प्राणों की चंचलता की तुलना सलभ से की गई है, अर्थात यहां पर सलभ आपका उपमान हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा आपका यहां पर सी नंबर देखिए आपका लिखा है शार्दुल, और शार्दुल आपका होता है सिंह का पर्यायवाची। क्या होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपका शार्दुल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य यहां पर पूछ रहा है, और आपका शुद्ध वाक्य यहां पर देखिए कौन हो जाएगा। पहला पढ़िए, कह रहा है वकील ने कागजातों की जांच की। ये पढ़ने में बिल्कुल शुद्ध है, और जब शुद्ध मिल गया है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, यही आपका प्रश्न सही है। आप तीनों प्रश्न देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको गलतियां मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक ओर अजगर है और दूसरी ओर शेर है, इन दोनों को देखकर राहगीर डरकर मूर्छित हो गया है। अर्थात डरकर मतलब यहां पर कह सकते हैं आपका भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहां पर भयानक रस। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कर आपसे इक्की मतलब कि यहां पर कह सकते हैं इक्के का शुद्ध रूप में से कौन है, ठीक है। तो इक्के का शुद्ध रूप आपका यहाँ पर कौन बनेगा, तो कह सकते हैं कि आपका जो बी नंबर है एक के होता है, क्या होता है एक, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसे पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, अर्थात यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, और यहाँ पर अगर आप भरेंगे विशेषण भर दीजिए, यहाँ पर आपको प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा कि विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता आपकी प्रकट होती है, ठीक है। विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, अर्थात किसी पर अगर विजय प्राप्त करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपका सी जिज्ञासु, मतलब कि जिज्ञासु बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, जिज्ञासु हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। काफ़ी अच्छा है, और शायद ही इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब और प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न हो रहा है, और ये अलंकार आपने सुना नहीं होगा। अगर सुना भी है, बहुत बच्चे सुने होंगे, बहुत बच्चे नहीं सुने होंगे, जो गहनता से अध्ययन किए होंगे अलंकार वही इसका सही कर सकते हैं कि जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। क्या होता है? दृष्टांत, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका है, दृष्टांत अलंकार लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, अर्थात चंद्रमा का सही पर्यायवाची यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा। चंद्रमा का हो जाएगा आपका सी, अर्थात निशाकर, सुधाकर और इंदु, ठीक है ना। निशाकर, सुधाकर, इंदु, इस पंक्ति में चंद्रमा की सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कर आपसे प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या हो जाएगा। प्रति धनाघात अर्थात यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कह सकते हैं छोटी है, यहाँ पर आपका बड़ा है, यह बनेगा आपका या बनेगा ना। तो प्रति धन आघात का सही संधि रूप आपका यहाँ पर क्या बन गया, आपका प्रत्याघात, अर्थात 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए नंबर। यह आपका यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, और देखिए आपका आ गया अपवाद वाला क्वेश्चन, लेकिन हमने आपसे बताया है कि जब बहुव्रीहि समास भी हो और कर्मधारय समास भी हो तो नीलकंठ में आपको बहुव्रीहि समास पर फोकस करना है, अर्थात सी ऑप्शन इसको सही करेंगे, क्योंकि हमने इसलिए बताया कि बहुव्रीहि समास तो है, क्यों, कि नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव भगवान होते हैं, ठीक है। और अगर हम बोले कर्मधारय समास की तुलना करें तो नीला शब्द आपका होता है आपका विशेषण, कंठ होता है आपका विशेष, और जहां विशेषण विशेष होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो दोनों ही रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इस रूल में आपको प्राथमिकता इसको देना है जो ज्यादा सटीक आपको लग रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता, मैं आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है,
आपको क्या खाली स्थान बनना चाहिए ताकि ये शुद्ध रूप आपका हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है वाक्य में विशेषण है, अर्थात ये आपका दिया है लाखों लोगों ने महसूस किया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विशेषण, और विशेषण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विशेषण कह सकते हैं कि लाखों शब्द, ठीक है, लाखों शब्द यहाँ पर हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या कह सकते हैं कि जब संख्यावाचक विशेषण का समुदायवाचक विशेषण हो, जिसे हम लोग समूह बोधक का बोध हो रहा हो, वहां पर भी आपका संख्या अर्थात यहां पर सी आपका हो जाएगा लाखों शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि छह वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात हमने आपसे हमेशा की तरह यही बताया है कि आपको सर्वप्रथम आपको इसको लेना है, फिर अंतिम आपको 6 नंबर लेना है, लेकिन जो चेंजिंग हुई है वो आपकी यहाँ हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी चेंजिंग हुई है। आपका शुद्ध क्या बनेगा इसको समझ लीजिए, आपका शुद्ध बनेगा यहाँ पर सकारात्मक सोच के बाद आपको यहाँ पर ला लाना है, अर्थात पहला नंबर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका दूसरा नंबर यहाँ पर लेना है, फिर आपका यह जो है ये तीसरे नंबर में आपका आएगा, फिर आपका जो वह है ये चौथे नंबर में आएगा। ठीक है ना, तो सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थक है, और सार्थकता ही सफलता, और सफलता ही सार्थकता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। समझ में आ गया होगा ना। चलिए तो यहां पर आपका आंसर, यहां पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात ला रा या वा आपका क्रम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है। काफी अच्छा है, और जब कोई मनचाही वस्तु आपकी नष्ट हो जाती है या उसका कोई अनिष्ट हो जाता है तो आपके हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है, ये आपका रस उत्पन्न होता है। ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है या जागृत होता है वो आपका होता है यहाँ पर जो कि करुण रस। क्या होता है, करुण रस, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, करुण रस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, जिस भाषा के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ठीक है ना, तो किसी भी राज्य के जो भाषा होती है इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, इसलिए राजभाषा उस राजभाषा को उस भाषा कहते हैं जिस भाषा के द्वारा। मतलब राजभाषा किसे कहते हैं, तो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य अगर हो रहे हैं उसे हम लोग राजभाषा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे आपसे स्वरों की मात्राओं, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं। इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके होते हैं आपके ए नंबर 12 खड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं 12 खड़ी बोलते हैं इनके स्वरों की मात्रा और आपके अनुसार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपर जो क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। यहाँ पर कह रहा है मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, अर्थात यहाँ पर आपका जो वाक्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए मैंने उसे बहुत समझाया, यहाँ से आपका जो स्टार्ट होगा ये आपका एक प्रथम उपवाक है, मतलब कि प्रधान उपवाक, इसे बोलेंगे प्रधान उपवाक। और यहाँ पर जो परंतु है ये आपका यहाँ पर योजक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, और वह नहीं समझी यह आपका कह सकते हैं कि आपका प्रधान उपवाक है। जब दो प्रधान उपवाक की किसी समुच्चय बोधक जैसे कि आपके किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या और आदि से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये पॉइंट आप याद रखना हमेशा से कि जब दो प्रधान उपवाक्य किसी समुच्चय जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या और शब्द से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए, अर्थात चूहे की
चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अर्थात चूहा की जो चमड़ी होती है उसे नगाड़े नहीं मढ़ सकते। इसका अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, अर्थात कह सकते हैं कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है। अभी हमने आपको बताया था कि यही आपका परिभाषा होती है दृष्टांत अलंकार की। अब आप दृष्टांत अलंकार को अच्छे से नोट कर लीजिए, उदाहरण भी आपको मिल गया था और आपको परिभाषा भी मिल चुकी है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार होता है जब उपमेय उपमा में बिंब और प्रतिबिंब का आपका भाव होता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी में इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर उत्तर दीजिए, अर्थात कोई त्रुटि ना हो तो डी उत्तर देना है, अगर आपका गलत है तो उसको करना है। देखिए यहाँ पर आपका जो गलत है वो आपका क्या है, कह सकते हैं इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर आपका बी गलती है। देखिए बी गलती है पक्के ईश्वर के, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ना कि कहेंगे गांधी जी पक्के ईश्वर के, ये नहीं बनेगा। इसका बनेगा गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यहाँ पर आपका बी गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। याद रखिएगा तीन आपको ऐसे प्रश्न मिल चुके हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट थे, मतलब इस टेस्ट पेपर में तीन अभी तक के ऐसे प्रश्न रहे हैं जो कह सकते हैं आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते थे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। हमने हर शब्द में बताया, हर टेस्ट पेपर में बताया कि आपको पाँच ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हम 40 प्लस तो आप ला सकते हैं लेकिन 45 प्लस लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, ये आपकी जुड़ते हैं आपका ऑप्शन राइट डी, अर्थात आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। क्रिया के साथ जुड़ते हैं आपके कृदंत प्रत्यय, मतलब क्रिया होती है जैसे जा खा सो, ठीक है ना, और आपका प्रत्यय हो जाएगा ना, जैसे कि जाना, ठीक है ना, और आपका खा अर्थात खाना, सो मतलब सोना, ये आपकी क्रियाओं के हिसाब से कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, कह रहा आपसे बोली किसकी इकाई है, बोली किसकी इकाई है, अर्थात बोली आपकी जो कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली होती है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा आपसे नि अर्थात नि उपसर्ग है आपका, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है। नि शब्द से देखिए आपका कौन सा बना हुआ है आपका ये, तो आपका यहाँ पर 29 और 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, अर्थात नितांत शब्द, नितांत यहाँ पर आपका जो दिया है ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका दिया है, नितांत शब्द में नि उपसर्ग से निर्मित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। याद रखिए आप लोग तत्सम पढ़े होंगे, आप लोग तद्भव सुने होंगे, लेकिन अर्ध तत्सम आप लोगों ने नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, जो जानते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जानते हैं वो लोग समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं अक्षर अर्ध तत्सम शब्द हैं, जो अक्षर तत्सम से बना है, यहाँ पर आपका सी, ये जो आपका है ये आपका अर्ध तत्सम है, जो अक्षर है वो आपका अर्ध तत्सम है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका होता है हमेशा ऐसे ही प्रश्न आएगा और ऐसा ही आपको ऑब्जेक्टिव दिया होगा, ऐसे ही आंसर आपको लगाना है, तो इसका सी अक्षर अर्ध तत्सम शब्द है, जो अक्षर मतलब ऐसे आपका लिखा होता है ना, हम आपको सिंपल बता दें, ऐसे लिखा होता है अक्षर, ऐसे होता है ना, यहाँ पर देखो ऐसे लिखा है इसलिए आपका अर्ध तत्सम हुआ। अब आपका समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जटिल का विलोम होगा, जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी, सरल हो जाएगा, ठीक है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं मन माना का सही सामसिक विग्रह निम्न से कौन सा है। मन माना अर्थात इसे हम लोग पढ़ेंगे मन से माना, अर्थात मन के अनुसार मानना, मन माना शब्द का सही सामसिक आपका विग्रह हुआ, और यह एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा मन से माना, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा आपसे
कि मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम बताइए। समझ लीजिए, ये भी आपका पांचवा प्रश्न मिल चुका है आपके इस वीडियो में कि मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम शायद कोई नहीं जानता होगा। अगर आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात हो रही है आपके लिए। और आपका यहाँ पर जो 33 है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, आपका जो कवित्त होता है ये मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध आपका नाम है कवित्त। ठीक है, कवित्त, और जो कवित्त छंद है मुक्तक का ही दूसरा आपका प्रसिद्ध नाम है। अब आते हैं यहाँ पर जो कि दिया है मुहावरों का सही अर्थों के साथ जोड़िए, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं तू तू मैं करना, तू तू मैं करना अर्थात कह सकते हैं झगड़ा करना। यहाँ पर आपका इसका जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा ई, तू तू अर्थात झगड़ा। पहाड़ टूटना अर्थात भारी संकट आ जाना, ठीक है, भारी संकट पड़ना। अंगूठे चूमना अर्थात चापलूसी करना, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका चापलूसी करना। ठीक है, और आपका दिया है खिल्ली उड़ाना अर्थात यहाँ पर हंसी उड़ाना आपका हो जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, बना लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए आशातीत अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आशा से परे या दूर, जहाँ दूरी या अलगाव का भाव हो वहाँ पर आपका आपादान तत्पुरुष समास होता है। काफ़ी अच्छा आपका ये प्रश्न है, बहुत ही बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सही कर पाते। यहाँ पर हमेशा बोल देते हैं आ, अब यहाँ पर आपका कह सकते हैं बोल देते कि आपका उपसर्ग है, लेकिन याद रखिए आशातीत का अगर हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे तो होता है आशा से परे या दूर, जहाँ दूर या अलगाव होता है वहाँ पर आपादान होता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवली और अविल का अर्थ बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका ये भी है, आपका अवली और आपके अविल का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए आपका अवली मतलब होता है पंक्ति और अविल का मतलब होता है गंदा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अवली और अविल का मतलब यहाँ पर पंक्ति और आपका क्रमशः गंदा हुआ, याद रखिएगा। अगला आपका दिया है जो कि और भी अच्छा प्रश्न आपका है, सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं, सुमुखी छंद में आपके कितने वर्ण होते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जगड़ वगैरह ये चीज़ें आप सुने हैं ना, तो जो सुमुखी जो आप शब्द हैं, ठीक है, सुमुखी छंद में सात जगड़ और लघ गुरु के क्रम से देखा जाए तो आपका 23 वर्ण होते हैं, मतलब कि 11 और 12 वर्णों पर यति होती है और यह एक वर्णिक छंद होता है, अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 23 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर आपका जो अशुद्ध है वो आपका शुद्ध हो जाएगा सूकर, सूकर का आपका बलिवर्द नहीं है अर्थात ये आपका गलत है। अदर आपके दीक्षा का परीक्षा का पुत का सपूत वरिष्ठ का कनिष्क ये सही आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग बताइए। और हमेशा आपको बता दें अगर आप टॉप 10 आप चाहते हैं प्रश्न तो हमारा एक चैनल है ऑनलाइन एग्जाम मिशन, वहाँ पर आपको हिंदी जीके जीएस के टॉप 10 प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और आप लोग परेशान कर लेते हैं, अर्थात आप लोग परेशान हो जाते हैं और प्रश्न को गलत कराते हैं। तो आप उस चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर टॉप 10 आपके एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है जहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या होती तो आप कमेंट भी करिए और वहाँ पर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो उससे आप समाधान भी मिलेगा और आप वो प्रश्नों को याद कर पाएंगे जो आपके परीक्षा में आप लोग कमजोरी भी मतलब कह सकते हैं कि उस प्रश्न की वजह से आपका पेपर डाउन हो जाता है क्योंकि आप लोग सोचते नहीं सही है लेकिन वो प्रश्न आपका गलत होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कवि का स्त्रीलिंग होता है आपका कवित्री होता है, तो कवित्री तो सब पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर शुद्ध क्या होगा। और हमने लगभग बताया कि आपके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वहाँ पर आपका 40% प्रैक्टिस सेट में आपको ये जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपका जो कवित्री होता है 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, कवित्री को इस प्रकार से लिखते हैं लास्ट के दो वर्ड। ठीक है, जिन लोगों ने कल टेस्ट दिया होगा वो आप पता होगा कि यहाँ वाकई में वो टेस्ट आपका अच्छा था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, विलोम की दृष्टि से आपको बताइए सही शब्द युग्म आपका कौन सा दिया गया है। यहाँ पर आपका सही जो दिया है जारज अर्थात औरस, ये विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में आपका अव्यय पद है वो अव्यय पद आपका क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपका वह अपने
वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। यहाँ पर 41 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हमेशा, मतलब वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में जो हमेशा है ये आपका अव्यय रूप है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न थोड़ा समझना पड़ जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य मतलब कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो बनेगा वो आपका होगा क्या। कर्मवाच्य, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, और शीला से हिला भी नहीं जाता। यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा शीला से पढ़ा नहीं जाता, अर्थात पढ़ना यहाँ पर आपकी क्रिया हो जाएगी, और शीला से पढ़ा नहीं जाता ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य में अंतर आ जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कैसे कि शीला से पढ़ा नहीं जाता, अर्थात वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पढ़ा सकर्मक क्रिया है, अन्य वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। तो याद रखिए, जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, और वो सकर्मक क्रिया हमेशा आपकी कर्मवाच्य में होती है। भाववाच्य में आपकी सकर्मक क्रिया नहीं होती, अकर्मक होती है, क्योंकि हमने हमेशा से आपको एक पॉइंट बता रखा था कि जहाँ निगेटिव सेंस प्रदर्शित करें वो आपका कह सकते हैं भाववाच्य होता है। लेकिन एक रूल आपको याद रखना है कि जो कर्मवाच्य होता है वो आपके सकर्मक क्रिया होती है, और आपके भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर आपको पढ़ना आपकी सकर्मक क्रिया है, इस कारण से आपका यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतरण दीजिए, अर्थात यहाँ पर कह रहा है अरेंजमेंट्स आर बींग मेड टू आपका इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसका आपको हिंदी पूछ रहा है, आपका हिंदी रिपोर्ट क्या हो जाएगी? इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे उत्साह शब्द का विशेषण, उत्साह शब्द का विशेषण पूछ रहा है, और उत्साहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्साहित, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, और आपकी छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी की बोली है, और इसकी अन्य बोलियां होती हैं अवधी और बघेली। आपको याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ की हैं वो आपकी तीन बोली होती हैं, ए और बी और आपके सी, अर्थात कह सकते हैं कि आपकी अवधी तो थी ही, ठीक है ना, अवधी होती है, बघेली होती है, ठीक है ना, और आपकी छत्तीसगढ़ी होती है। ये आपकी तीनों आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के तीन पार्ट, अवधी, आपकी छत्तीसगढ़ी और बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, समझ गए ना। और आपको अगला आ गया है आपका जो कि गद्यांश काव्यांश है, और 46 से 50 प्रश्न है। हमेशा से आपको बताते हैं कि जब भी कोई गद्यांश को पढ़े काव्यांश को, तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर आप पढ़िए, आपको गद्यांश आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी। शॉर्टकट रास्ता आपका यही होता है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से ये 5 नंबर आपके खाते में हम जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा से आपको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराते रहते हैं। जैसे आपका पार्ट नंबर हमने 52 में आपको बता भी दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बताते नहीं, हमेशा बता कर चलते हैं। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए, ठीक है, सॉल्व हो गए आपके। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस टेस्ट प्रश्न में कितने नंबर वास्तविकता में सही किए हैं, ठीक है, बिल्कुल सत्य बताइएगा, ताकि हमें समझ में आए कि नहीं बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं, आखिरकार उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आखिरकार उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसका विचरण हम भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है अभी हाल ही में कल, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।